नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में कोविड-19 को रोकने की शुरू हुई तैयारी। संजीवन ऐप की मदद से जाने किस अस्पताल में कितने बेड है खाली। अब गाड़ियों का VIP नंबर लेना होगा आसान। बिहार लौट रहे प्रवासियों का पोर्टल का निबंधन हुआ शुरू। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। अब चले पड़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में कोविड-19 को रोकने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी पटना की है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने राजधानी पटना में कोविड-19 को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत कुछ नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद आज से ऑड इवन के आधार पर दुकानों को खोला जाएगा, जिसके तहत जो दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी वो दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही हर दिन किराना दुकान, डेयरी दुकान, दवा दुकान, निजी क्लिनिक, फल सब्जी, ई कॉमर्स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, निर्माण सामग्री जैसे स्टील, ईंट, बालू, गिट्टी, पेट्रोल पंप, पशु चारा की दुकान, होम डिलीवरी सेवा जिसमें रेस्टोरेंट शामिल है और मीट मछली की दुकानों को खोला जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल गुड्स, फर्नीचर दुकान, सैलून पार्लर, सोना चांदी की दुकानों को खोला जाएगा। वहीं कपड़ा दुकान, चप्पल जूता दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान, ड्राई क्लीनर्स जैसे दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोला जाएगा। संजीवन ऐप की मदद से जाने किस अस्पताल में कितने बेड है खाली। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इन सबके बीच एक समस्या जो सामने आई है वो है अस्पतालों में बेड की अनुपस्थिति, जिसके कारण मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच चक्कर लगाने में ही काफी समय गुजर जा रहा है। हालांकि अब आपकी मदद के लिए संजीवन ऐप सामने आया है। इस ऐप की मदद से आप किस अस्पताल में बेड मौजूद है, किस पे नहीं, इस बात की जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, संजीवन मोबाइल ऐप के माध्यम से निकटतम कोविड-19 सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में उपलब्ध बेड की जानकारी मिलेगी। साथ ही विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर को अद्यतन जानकारी को फिट करने का निर्देश भी दे दिया गया है। बिहार में महिला और युवा उद्यमी योजना की जल्द होगी शुरुआत। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां कुल मिलाकर 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वहीं इस बैठक में बिहार में महिला और युवा उद्यमी योजना को जल्द शुरू करने की बात भी कही गई है। खबरों की माने तो बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ों के साथ ही सरकार अब महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने में आर्थिक सहायता करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महिला और युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दे दी गई है। दोनों योजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष 400 करोड़ की राशि मंजूरी दे दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और सामान्य और पिछड़ा जाति के लोगों को भी उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक की सहायता देगी, जिसमें 5 लाख अनुदान शामिल है। अब गाड़ियों का VIP नंबर लेना होगा आसान। जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तब सबकी तमन्ना होती है कि उसके पास VIP नंबर हो। हालांकि यह नंबर लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब सरकार की पहल के बाद और ज्यादा आसान होने वाली है, जिसके तहत आम जनता को मनपसंद निबंधन संख्या उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और वाहन विक्रेताओं के स्तर से वाहन खरीदार को मनपसंद नंबर दिए जाने की व्यवस्था की है। इसके तहत वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा वाहन खरीदारी को दिए जाने के लिए प्रोत्साहित करने और निश्चित संख्या में इसकी बिक्री कराए जाने पर वाहन विक्रेताओं को परिवहन विभाग द्वारा निश्चित दर पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए बिहार मॉडल गाड़ी 1994 के नियम को संशोधित किया गया है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिहार में 202 पुलिसकर्मी आए कोविड-19 की चपेट में। कोविड-19 की लहर जब से देखने को मिल रही है, तब से पुलिसकर्मी आगे खड़े होकर आम नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों को उनके काम की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। यही कारण है कि अपने कर्तव्य का पालन करते करते कोविड-19 की चपेट में अब तक 202 पुलिसकर्मी आ गए हैं, जिसमें से 5 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह और मेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज ने पुलिस के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग की है, जिसके तहत वैसे पुलिसकर्मी जिनके कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं उन्हें तुरंत ही क्वारंटीन करवाया जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमित पुलिस पदाधिकारी और जवानों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रेंज IG DIG को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नोडल पदाधिकारी अपने प्रभाग का औचक निरीक्षण करेंगे। अगले एक सप्ताह में रेमडेसिविर के 50,000 डोज आएंगे बिहार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों के इलाज के लिए जल्द ही 50,000 वायल रेमडेसिविर की खरीद की जाएगी। यह खरीद जायडस कैडिला कंपनी से की जाएगी। कंपनी एक हफ्ते में दवा की आपूर्ति शुरू कर देगी। इसको लेकर हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाम तक रेमडेसिविर के 1200 डोज राज्य को आपूर्ति हो रहे हैं, जिन्हें पटना सहित अन्य जिलों में मांग के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। राज्य विभाग के कार्यपालक निदेशक की माने तो गृह विभाग के आदेश के अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के सिविल सर्जन और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से जिले में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्ध
उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करें। कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण परिवार को 6 मास्क और साबुन देगी सरकार। कोविड 19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के घर परिवार को 6-6 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि गांव में हर परिवार को मास्क और साबुन वितरण को लेकर जल्द दिशा निर्देश जिलों को विभाग जारी कर देगा ताकि जल्द से जल्द हर परिवार को सरकार द्वारा या दोनों उपलब्ध कराया जा सके। इसके पीछे मकसद यही है कि हर व्यक्ति मास्क का उपयोग जरूर करे और हाथों को भी साबुन से नियमित रूप से धोते रहे। इसके लिए गांव में जागरूकता अभियान भी नियमित रूप से चलाया जाएगा। खबरों की माने तो इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सकेगा। लॉकडाउन के बाद फिर दोहराई गई पिछले साल की गलती। देश भर में कोविड 19 की स्थिति भयावह होती जा रही है। कई राज्यों में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए ही सरकार ने अब अपनी तरफ से कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया है। दिल्ली में इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्रदेश छोड़ने की अपील नहीं की थी, लेकिन शाम होते ही नजारा बदल गया। मुख्यमंत्री की अपील के विपरीत बस स्टैंड से दिल्ली छोड़कर जाने वाले हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए, कंधों और सिर पर भारी भरकम बैग और हवाई चप्पल पहने जो मजदूर घर जाने के लिए मजबूर थे, उनका परिवार एक बार फिर से दिल्ली से निकलने की कोशिश करता देखा गया। बिहार लौट रहे प्रवासियों का पोर्टल पर निबंधन हुआ शुरू। कोविड 19 के बढ़ते ग्राफ के बाद एक बार फिर से प्रवासियों का बिहार की तरफ कूच करना शुरू हो गया। हालांकि अब सरकार की कोशिश है कि जो भी प्रवासी वापस लौट कर आए हैं उनको वापस जाने ना दिया जाए। इसको लेकर के प्रवासियों को नौकरी बिहार में ही दिलवाने की पहल शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बिहार लौट रहे प्रवासी का पोर्टल पर निबंधन का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा निर्देश के तहत ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत वैसे श्रमिक जिन्होंने विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराया था अब उनकी खोज खबर ली जा रही है और उन्हें रोजगार मिला है या नहीं। रोजगार नहीं मिलने वालों को दूसरे विभागों में समन्वय स्थापित कर रोजगार दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो अभी तक विभाग के पास लगभग 25 लाख श्रमिकों का आंकड़ा मौजूद है। बिहार में 14 स्थानीय प्लांट से शुरू हुई जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार में ऑक्सीजन की कमी की खबर लगातार सामने आ रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर बताया है कि अब राज्य में 14 ऑक्सीजन प्लांट को 7 दिन 24 घंटे लागू रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि जिलों को निर्देश दे दिया गया है कि वो स्थानीय प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। जैसे गया मेडिकल कॉलेज में गया से ही अब आपूर्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो अब ऑक्सीजन की मांग देखते हुए इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल कितनी मांग इसको लेकर के की जा रही है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सभी जिलों में ऑक्सीजन की मांग की मैपिंग कराई जा रही है। तेजस्वी यादव ने की बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री से माफी मांगने की मांग। बिहार के ESIC को कोविड 19 अस्पताल बनाने को लेकर राज्य सरकार को लेटर दिए जाने के 10 दिन बाद भी DRDO की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने को लेकर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार, राज्य के सांसदों पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार के 40 में से 39 सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़ कर बिहारवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता को किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार गुजरात, यूपी में DRDO, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं। CBSE 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा हुई स्थगित। कोविड 19 का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी कोविड 19 के प्रभाव के कारण शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। पहले 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब CBSE ने एक बार फिर से 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुनाया है। मेरी जानकारी के अनुसार 15 मई के बाद ही प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर कोई फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि उससे पहले परीक्षा का होना नामुमकिन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में CBSE ने 10वीं की परीक्षा को रद्द और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला कुछ समय पहले ही सुनाया था। कोविड 19 में लोगों की मदद नहीं कर पाने पर सोनू सूद ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले साल कोविड 19 की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक लोगों के बीच मसीहा बनकर सामने आए हैं और उन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों की मदद की थी, लेकिन आज सोनू सूद खुद कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं। हालांकि फिर भी वो लोगों की मदद के लिए हाजिर है, लेकिन अपने हेल्थ सिस्टम के आगे वो मजबूर हो गए हैं और लोगों की मदद करने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। कोविड 19 के दूसरी वेव से हालात ऐसे हो गए हैं कि सोनू से लगातार लोग अस्पताल में बेड और दवाइयों की मांग कर रहे हैं, जो सोनू पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर सोनू सूद ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया है और बताया है कि सिर्फ और उनकी टीम ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम ही लोगों की मदद करने में फेल हो गया है। 570 बेड की रिक्वेस्ट थी, लेकिन सिर्फ 112 की व्यवस्था हो पाई। रेमडेसिविर की 1477 मांग थी, लेकिन सिर्फ 14 ही अरेंज कर पाए हैं। हाँ, हम फेल हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच जीतने के इरादे से उतरेगी मुंबई। IPL की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के बीच में मुकाबला देखने को मिलने वाला है। हालांकि मुंबई को आज दिल्ली के खिलाफ मैच जीतने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिसके तहत चेन्नई में होने वाले इस मुकाबले में मुंबई की टीम जीतने की प्रबल दावेदार फिलहाल तो नजर आ रही है। वहीं उनकी टीम के
चार जाबाज खिलाड़ी रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर निरंतरता नहीं रही है। इसके बाद भी टीम ने अपने 3 मैच में 2 में जीत दर्ज की है। इसके पीछे टीम की शानदार गेंदबाजी रही। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम चाहेगी कि आज होने वाले मैच में उनके बल्लेबाज मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी करें, जिससे शानदार फॉर्म में चल रहे दिल्ली कैपिटल्स को हराया जा सके। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। देश में कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,59,170 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश भर में प्रभावितों की संख्या 1,53,21,089 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 1,761 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,80,530 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,54,761 कोविड-19 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,31,08,582 मरीज कोविड-19 को मात देने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।